हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं CUET PG के लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा वो किस प्रकार से चलने वाला है। किस तरीके से आपको एडमिशन मिलेगा उसी चीज के बारे में इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। गाइज, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, आप उसको भी जरूर से यहाँ पे ज्वाइन करिएगा। अब देखिए, मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझा के जाऊंगा। यहाँ पे मान लीजिए आपका जो स्कोर कार्ड है उसके बेस पे फिर आप देखेंगे JNU है, ठीक है, उसके बाद BHU है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, आपका यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद, ओके, एंड इसके अलावा पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी है और भी लाइक है काफी सारी यूनिवर्सिटी आपकी है। तो अब क्या होगा कि जो कोड आपने CUET वाले फॉर्म में डाला था, जैसे मान लीजिए आपने 42 वाला कोड यहाँ पे दिया था, ओके, वही आपका सब्जेक्ट है 42 जो कोड है पॉलिटिकल साइंस का या पब एड का, तो आपने उसके लिए अप्लाई करा था, ठीक है। अब आपके पास आपका स्कोर कार्ड आ गया, तो उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से आपको JNU में अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है, आपको BHU में करना है, आपको यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में करना है, आपको पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी में करना है। अब ये डिपेंड करता है आप पे, अगर आपका टारगेट केवल JNU है तो उस कंडीशन में आप JNU के लिए ही काउंसलिंग करवाइए, BHU के लिए क्यों करवाओगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फी है गाइज वो लगेगी आपकी, ठीक है। अब जिसके कम नंबर है अगर वो स्टूडेंट यहाँ पे इतनी सारी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया तो उसका तो फीस जो चला जाएगा काफी सारा। तो यहाँ पे आपको क्या चीज देखनी है कि आपका जो स्कोर कार्ड है उसके हिसाब से कितने नंबर आपके बन रहे हैं और फिर आप यूनिवर्सिटी का सिलेक्शन करेंगे। आपका जो स्कोर कार्ड है उसके बेस पे एडमिशन नहीं होगा, उसके बेस पे आपको यूनिवर्सिटी में रजिस्टर करना पड़ेगा, उसका रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो जब स्टार्ट होगा तो फिर उसके बाद आपको एडमिशन मिलेगा। वहां पे कितनी कट ऑफ गई थी, आपके कितने नंबर थे, उसके हिसाब से आपको मिलेगा। तो आप ये सोच के जो है यहाँ पे मत हो जाना कि यार मुझे तो एडमिशन मिल गया, रिजल्ट आ गया, एडमिशन मिल गया, नहीं, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर आपको जाना ही पड़ेगा और उसके बाद ही यहाँ पे आपको जो है एडमिशन मिलेगा। अगर आप रजिस्टर कर रहे हो वहां पे आपके जो सारे डॉक्यूमेंट है वो वेरिफिकेशन होंगे और आपका 10th 12th ग्रेजुएशन का जो डिटेल था वो सारा वहां पे मांगा जाएगा, जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे आपसे मांगे जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट वाली वीडियो के अंदर बताया था कि आप डॉक्यूमेंट को तैयार करवा लीजिए, काउंसलिंग प्रोसेस में आपको वो सारे डॉक्यूमेंट जो है चाहिए होंगे। तो अगर अभी तक आपने नहीं कराया तो आप डॉक्यूमेंट वाला जो क्राइटेरिया एक बार उसको देख लीजिए, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी में जब आप लोग करवाओगे तो वहां पे काउंसलिंग के टाइम वो लोग आपसे डॉक्यूमेंट मांगेंगे, ओके। तो यही सारा गाइज यहाँ पे आपका एडमिशन का प्रोसेस रहने वाला है। मैंने बिल्कुल शॉर्ट में समझाने का प्रयास किया है कि स्कोर कार्ड के बेस पे आपको अप्लाई करना है। अब एक चीज यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि हो सकता है कि कुछ यूनिवर्सिटी, गिनी चुनी यूनिवर्सिटी डायरेक्ट अपना कट ऑफ निकाल दे, तो उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि यार मेरा तो इतना नंबर आया, मेरा होगा नहीं और मेरा अच्छा नंबर आया, इसका मतलब मेरा यहाँ पे हो रहा है, तो वो फिर उसके लिए काउंसलिंग करवा सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर पहले कट ऑफ लिस्ट आ जाती है कि इस यूनिवर्सिटी के लिए इतने स्टूडेंट ने अप्लाई करा है और स्टूडेंट के इतने नंबर है, जैसे कि पहले आपका जो सीव सेट होता था उसके अंदर इस तरीके से कुछ यूनिवर्सिटी अपनी लिस्ट निकाल देती थी कि ये सारे स्टूडेंट है जिन्होंने यहां पे अपनी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करा है, अब ये लोग जो है काउंसलिंग करवा सकते हैं, काउंसलिंग पोर्टल ओपन हो गया है। अगर वो चीज यहां पे सभी यूनिवर्सिटी में रहती है तो मतलब काफी अच्छा हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आपको जो है फी पे नहीं करनी पड़ेगी, केवल वही स्टूडेंट करेगा जिसको लगेगा कि मेरा एडमिशन हो सकता है तो वही काउंसलिंग यहां पर करवाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सारी यूनिवर्सिटी में यह होने वाला है, क्योंकि CUET UG के कोर्सेज में आप देख ही रहे होंगे, हम तो खैर देखते ही है कि किस तरीके से फी ली जा रही है, हजार हजार रुपए यहां पे काउंसलिंग के लिए जा रहे हैं, तो देख सकते हो कि किस तरीके से एंटी यहां पे लाइक कर रहा है या गवर्नमेंट कह लीजिए। तो ये सारा चीज था, ओके। तो इस तरीके से मैंने आपको काफी अच्छे से समझाने का प्रयास किया है, बाकी अगर आपको कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो। तो इस वीडियो में तो गाइस इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया।